लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के 43 अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ खत्म करते हुए दरख्वास्त काबिले समाअत करार दे दी। ऑफिस हाई कोर्ट ने दरख्वास्त के काबिले समाअत होने पर एतराज़ लगाते हुए कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ दरख्वास्त काबिले समाअत नहीं। रियाज फतियाना समेत साबिक 43 अराकीन कौमी असम्बली की जानिब से बरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए और बताया कि मेंबरान असम्बली ने इस्तीफा मंजूर होने से कबल ही वापस ले लिए थे। इस्तीफा वापस लेने के बाद स्पीकर के पास कोई अख्तियार नहीं कि वह इस्तीफा मंजूर करें। मेंबरान असम्बली के इस्तीफा मंजूर करना खिलाफ कानून और बददियानती पर मबनी है। मेंबरान कौमी असम्बली के इस्तीफा अदालत उज़्मा के तयकर्दा कवानीन के बरक्स मंजूर किए गए। स्पीकर कौमी असम्बली ने सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तीफे मंजूर किए। दरख्वास्त गुजारों ने मजीद मौकफ अपनाया है कि इस्तीफा मंजूर करने से पहले स्पीकर ने मेंबरान को बुलाकर मौकफ नहीं पूछा। मेंबरान की मर्जी के बगैर इस्तीफे मंजूर करने का कोई आइनी इकदाम नहीं। मुअज्जिज़ अदालत ने इस्तदा की है कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्तीफ़ा मंजूर करने का इकदाम कालअदम करार देकर मंजूर की गई नशिस्तों पर इलेक्शन रोकने का हुक्म दिया जाए।